जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो। स्वागत है आप लोगों का एक नए व्लॉग में। दोस्तों कल है 22 तारीख, 22 जनवरी, ऐतिहासिक दिन है, इतिहास रचने वाला है। 500 वर्षों का जो समय था ना, वो पूरा होने वाला है। फाइनली राम जी अयोध्या आ रहे हैं, पधार रहे हैं। कल अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, उसके बाद में भक्त वहाँ पर जा सकते हैं और दर्शन कर सकते हैं। कल हम वहाँ नहीं जा पाए 22 तारीख को, क्योंकि सिक्योरिटी बहुत टाइट है। पीओमएस से सीधा इन्विटेशन गया था, जिनके पास इन्विटेशन है वही अयोध्या में दिखाई देंगे, वही मंदिर जा सकते हैं। और इन्विटेशन जो था वो पीओमए से आने वाला था, पीओमए प्रधानमंत्री से। अब हमारी वहाँ तक पहुँच नहीं है, इसलिए हम अयोध्या नहीं पहुँचे। लेकिन कोई बात नहीं, फिलहाल अभी हमें भीलवाड़ा में, तो भीलवाड़ा अयोध्या से कम नहीं है आज के दिन और कल के दिन, तो सोचा क्यों ना आपको भीलवाड़ा की एक झलक दिखाते हैं। दिवाली से भी ज़्यादा खूबसूरत सजाई गई है अब की बार भीलवाड़ा। सबसे पहले हमारे घर के बाहर देख सकते हो किस तरह से भजन कीर्तन हो रहे हैं, आम सुंदर कांड हो रहा है, और इस साइड में बन रही है खीर भक्तों के लिए। अभी देखो यहाँ पर भजन कीर्तन हो रहा है। भाई आज किस को भजन कीर्तन हो रहा है? देखो राम कथा सुंदर कांड हो रहा है यहाँ पर। राम आएंगे तो अंग न सजाऊंगी। गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं मार्केट, और अभी हम पहुंच रहे हैं सीधा रेलवे स्टेशन। ओ भाई साहब क्या सजा दिया गया है देखो। सो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं रेलवे स्टेशन, और अभी आप देखो क्या ही खूबसूरत सजा दिया गया है गाइस, देख रहे हो? और इस साइड में देखो भाई कुछ इस तरह से है, इधर बैरिकेड लगा दिए, आई थिंक कल रास्ता बंद कर देंगे। और यहाँ पर भाई दिवाली की तरह रोशनी लगाई गई है, और वहाँ पर भाई राम जी की फोटो है, वो दिखाएंगे चल के। सो गाइस अभी हम जा रहे हैं बैक साइड में, और अभी आने का रीज़न यही था कि लाइक ट्रैफिक कम मिले, ताकि हम अच्छी तरह से आपको शूट करके दिखा सकें। मेरे साथ में चांद है, आकाश है और गोलू है, हम चार लोग एक बाइक पर आए हैं। तो चलो आपको भाई भीलवाड़ा की झलक दिखाते हैं, जो कि अयोध्या से कम नहीं है, ठीक है? तो चलो दिखाते हैं सभी। देखो भाई साहब कितनी खूबसूरत राम जी की फोटो लगी हुई है, और राम मंदिर, और यहाँ पर देखो अयोध्या एंटरप्राइजेस, नाम ही बदल दिया। देखो हम तेल की बचत ही कर रहे हैं, ढलान का फायदा, गाड़ी को इसी धक्का देके चला रहे हैं आगे। अभी देखो ये पूरा रास्ता सजाया हुआ है आगे तक, भाई पूरी लाइटें लगी हुई हैं इस साइड तक, यहाँ से लेके मतलब पूरा इधर तक लगा, इधर तक सजा रखी है। अब मुझे थोड़ा ध्यान देना पड़ रहा है कि ये गाड़ी वाले उड़ा देंगे खाली रोड समझ के, कोई है भी नहीं और फुल स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं। दोस्तों मैं ना अभी अयोध्या होके आया था, मैं अभी 1 तारीख को अयोध्या से होके आया था, उससे पहले मैं वाराणसी गया था, कल मैं खाटू श्याम मंदिर से आया हूँ। मैं बैक टू बैक घूम ही रहा हूँ, और मैं जैनिन बताऊँ अयोध्या फिर जाने का मन बन रहा है, लेकिन वहाँ दिक्कत, सबसे बड़ी दिक्कत ये है रुकने की व्यवस्था वहाँ पर अभी इतनी नहीं है जिस तादाद में लोग जा रहे थे उस टाइम पर, और अभी तो भाई बहुत लोग जाएंगे, तो रुकने की व्यवस्था और सही है नहीं। अगर गर्मी वाला टाइम हो ना तो भाई हम तो टेंट खरीद लें 2500 रुपए का, और सरयू नदी के घाट पे लगाएं और वहीं पर सो जाएं, लेकिन ठंड के टाइम पे भाई टेंट से भी नहीं बचाव होगा, तो इसलिए हम थोड़ा मतलब टाइम हम देख रहे हैं। अदर 26 को एक गाड़ी चल रही है कोटा से सीधा अयोध्या के लिए, तो उस गाड़ी में स्पेशल गाड़ी है, तो कोटा से सीधा अयोध्या निकल जाएंगे। जैसा होगा मैं अयोध्या जाकर जल्दी से जल्दी दर्शन कराने की कोशिश करूंगा आप लोगों को। अभी देखो ये भी रास्ता क्या मस्त सजा दिया गया है भाई, पूरे झंडे झंडे लगा रखे हैं, पूरा ही मतलब रास्ता देखो अभी दिख रहा है ना, लाइट आ रही ना इसकी वजह से दिखता नहीं सही से। अभी हम उस रास्ते पे चल रहे हैं, बाकी ये वाला रास्ता देखो। अभी आप यहाँ पर देखो भजन कीर्तन हो रहा है भाई, ये रास्ते में भजन कीर्तन हो रहा है, इधर देखो कितना अच्छा सजा रखा है। अभी आप इधर देखो कितना अच्छा सजाया हुआ है, और यहाँ पर देखो बालाजी मार्केट, आगे बालाजी का मंदिर है, इसलिए इसको भी बहुत अच्छी तरह से सजाया है। टंडन अभी हम एंटर कर रहे हैं भाई, देखो कितना ही खूबसूरत है। सीधा पहुंच रहे हैं भाई सूचना केंद्र, जहां पर हनुमान जी का गधा रखा है वहां पहुंच रहे हैं। चलो ये देखो वेट कर रहे हैं, चलो ना, क्या हुआ? इधर देखो भाई कितने सारे झंडे लगे हुए, कितनी सारी ये लड़ियाँ लगी हुई, आज कंपनी में ये बंदी थी भाई, आज क्या 4 दिन से ये बंदी थी, और ये झंडे सारे मतलब कंपनी से है, सारे कंपनी से आए हुए हैं ये सारे झंडे, क्योंकि हमें पता है ना क्या सीन चल रहा था वहाँ पर, कैसे कैसे झंडे हमें मतलब आ रहे थे हमारे पास बनाने के लिए। भाई ये सारे देखो क्या ही खूबसूरत सजाया, और सामने तो भाई क्या ही खूबसूरती है। मेरे को ये सारी चीज़ें कैप्चर करते हुए अच्छा लग रहा है, जेन्युइन बता रहा हूँ। दिवाली इतनी अच्छी तरह से मैंने कैप्चर नहीं की थी, जितनी अच्छी तरह से कैप्चर करने को मैं ये उत्साह था मेरे अंदर कि चलो यार भीलवाड़ा कैप्चर करते हैं चल के, और वो भी रात में चलते हैं, क्योंकि रात में ट्रैफिक कम मिलेगा और अच्छी तरह से मतलब लाइटिंग कैप्चर हो जाएगी। अब बस ट्रैफिक की वजह से थोड़ी दिक्कत हो रही है, बार बार थोड़ा देखना पड़ रहा है।
अभी देखो कितना ही खूबसूरत है। वैसे आज जितने भी मंदिर है ना, मंदिर के बाहर भजन कीर्तन हो रहा है, सुंदरकांड हो रहा है, राम कथा चाली पढ़ी जा रही है, हनुमान चालीसा, बहुत सारी चीज़ें चल रही है, क्योंकि कल है अयोध्या में राम मंदिर, राम प्रतिष्ठा, उसके बाद में राम जी विराजमान हो जाएंगे अयोध्या में। फाइनली 500 वर्षों का जो समय था वो पूरा हो रहा है, राम भक्तों की मुराद पूरी हो रही है, और हमारी मतलब जो कामना थी राम मंदिर, भारत में पहला भव्य राम जी का मंदिर जो कि अयोध्या में बनके तैयार हो चुका है और प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। अभी देखो हम कहाँ पहुँच चुके हैं, अभी देखो कितना ही खूबसूरत दिख रहा है। जय श्री राम, जय श्री राम। देखो दिए जले थे यहाँ पे, PNL वालों ने इसको सजाया आई थिंक। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। वीर बजरंगी, हर हर महादेव। अरे वाह, हर हर महादेव। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अभी आप यहाँ पे देखो भाई, ये है, देख लो राम राज्य आ चुका है गाइस, राम राज्य। स्पीकर पे जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम। देखो कितना अच्छा लग रहा है और सारे लोग फोटो भी जा रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट ये, भीलवाड़ा में जब भी कुछ उत्सव होता है ना तो रक्तदान शिविर जरूर लगता है, और आज भी लगा था। देख लो यहाँ पर काफी लोगों ने अपना ब्लड डोनेट किया, और यहाँ पर कल इस्कॉन टेम्पल की तरफ से मतलब यहाँ पर कुछ जश्न होने वाला है, और वहाँ पर फॉरेनर आने वाले हैं, जितने भी राधा कृष्ण जी के, कृष्ण जी के भक्त है ना फॉरेनर, आपने आपने अक्सर उनको वीडियो में रीलों में देखा होगा, राधे राधे, हरे कृष्णा जपते हुए। कल स्वयं यहाँ पर इस्कॉन टेम्पल के द्वारा जितने भी फॉरेनर है ना वो आएंगे, और यहाँ पर नृत्य होगा, भजन होगा, राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 हरे हरे, वो वाली चीज होंगी। भाई मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ये सारी चीजें मैंने अयोध्या में कैप्चर की हैं। मैं बताऊं, मैं अयोध्या जा चुका हूं, अयोध्या में राम मंदिर में कवर करके आया हूं। मुझे वहां पर पास मिला था जिसमें मैं मंदिर के अंदर गया था, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, वहां पर जाकर सारी चीजें दिखाई थी। मैं एक चीज और बता दूं कि वहां पर अभी फोन ले जाना अलाउ नहीं था, तब भी नहीं था, अभी भी नहीं है, लेकिन जिनके पास पास होता है वो अंदर जा सकते हैं और कवरेज करके सारी चीजें दिखा सकते हैं। तो अयोध्या राम मंदिर, सरयू नदी, हनुमानगढ़ी मंदिर, बहुत सारी चीजें अयोध्या पूरी कवर करके आया था। मैं फिर अगेन जल्दी जाऊंगा, फिलहाल आप यहाँ के मजे लीजिए। अभी हम यहाँ चले पहुँच चुके हैं, और यहाँ पर देखो भाई माहौल, देखो जितने लोग हैं भाई, भीलवाड़ा में कुछ भी हो सब लोग आते हैं फोटो खिंचाने। देखो यहाँ पर दिए जलाए गए थे राम, यहाँ पर देखो दिए जलाए गए थे, और यहाँ पर देखो क्या ही खूबसूरत है गाइस। क्या ही खूबसूरत है। मैं और गोलू फोटो खिंचाने आए, आज जेन्युइन बहुत खूबसूरत है यार, क्या लाइटें पड़ रही है। देखो कितनी छोटी सी बच्ची है, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, नारे लग रहे हैं जय जय श्री राम। लो फाइनली अभी स्टार्ट हो चुका है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, सीताराम 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 बोलो सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पावन सीताराम पति के पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम। इस्कॉन टेम्पल कल सेलिब्रेशन होने वाला है, कल मतलब भजन होने वाला है, कुछ तो होने वाला है जिसमें फॉरेनर आने वाले हैं, मजा आने वाला है कल। अभी हम आपको लेके चलते हैं बड़ा मंदिर। सुना है बड़ा मंदिर बहुत अच्छी तरह से सजाया गया और वो रास्ता भी सजा है, तो बड़ा मंदिर देखने जा रहे हैं और आपको भी दिखाने ले चल रहे हैं, जल्दी से चलते हैं। सो गाइस अभी हम लोग चार लोग एक गाड़ी पे सवार होके निकल चुके हैं बड़े मंदिर की तरफ।
जपता हर हर महादेव जय जय शिव शंभू। ये सीधा रास्ता क्या है, बड़े मंदिर की तरफ। भाई सारे रास्ते सजा दिए गए हैं इस टाइम तो, सारे रास्ते सजा दिए गए हैं भाई। चार लोग रूल को तोड़ के, एक तो बिना हेलमेट के, ऊपर से चार लोग। भाई महारानी ट्रेड सेंटर क्या ही खूबसूरत सजाया, देख रहे हो महारानी ट्रेड सेंटर। देखो ज्वेलरी, ज्वेलरी वाले तो भैया सजाते ही अपनी शॉप बढ़िया से। देखो सो गाइस अभी हम एंटर हो चुके हैं बड़े मंदिर वाली लाइन में, बड़े मंदिर वाली बाजार में। देखो क्या ही खूबसूरत सजाया है यार। ओहो भाई साहब पूरा उधर रास्ता ही सजा रखा है, और वो भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। और ये सारी चीज़ें मैं नाइट में कैप्चर करने आया हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए। देखो और अभी हम पहुँच चुके हैं, अभी सामने दूर है यार मंदिर तो। आराम से चलाना गोलू, आराम से चलाना क्योंकि चार लोग हैं। गोलू को फर्स्ट टाइम मैं घुमा रहा हूँ। इधर स्टार्ट हो चुके हैं लाइटें। बाप रे, अरे बाप रे, यहाँ पे तो बलून लगा रखे हैं। भाई साहब क्या ही खूबसूरत सजाया है यार। कहीं साइड में खड़ी करो। तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं बड़े मंदिर। भाई बहुत अच्छी तरह से सजाया गया है, बहुत ही अच्छी तरह से बलून वलून लगाए गए, और बैक साइड में आई थिंक परफॉर्मेंस हो गई है यार। पुलिस वालों ने मतलब जल्दी बंद करा दिया, 10 बज चुके हैं ना इसलिए। इधर देखो, इधर तो भाई बंद करवा दिया क्योंकि जैसे ही भाई 10 बजे वैसे ही बंद करवा दिया। देखो क्या खूबसूरत मंदिर है ना, भव्य मंदिर है। और इस साइड में बड़ा मंदिर है, चलो इधर चलते हैं। देखो बड़ा मंदिर कितनी अच्छी तरह सजाया गया है। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। बहुत ही खूबसूरत है गाइस। अभी देखो टाइम क्या हो रहा है, 11:20। सो अभी आप ऊपर की सजावट देखो भाई, क्या ही खूबसूरत सजाया गया है। देखो सो गाइस अभी हम जा रहे हैं वापस घर के लिए, क्योंकि घर पे बट रहा है प्रसाद, जलेबी और दूध का प्रसाद बट रहा है, और हो सकता है जब तक हम लोग पहुँचे तब तक ख़त्म हो जाए। लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं जल्दी से पहुँचे और प्रसाद ग्रहण करें जाके। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, सीताराम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। इधर देखो कितनी अच्छी तरह से सजाया गया है भाई, आप गली देख सकते हो। आगे भागवत कथा हो रही है, देखो कुछ ऐसा सीन है, कुछ इधर ऐसा सीन है। आकाश देखो आगे कितने झंडे लगाए हुए हैं, इधर गौ माता गई हैं। देखो इधर देखो राम जी की प्रतिमा खड़ी है, इस साइड में भी और इधर भी, तो कितने ही खूबसूरत है। और इस साइड में भी खड़ी है और एक अंदर है, देख रहो मतलब काफ़ी खूबसूरत है। और सेम मतलब मुझे वहाँ पर भी मिली थी जहाँ पर मैं अयोध्या में गया था, तब अयोध्या में भी सेम प्रतिमा मिली थी। सो गाइस फाइनली आ गए अपने घर की ओर, और यहाँ पर भी अभी चल रहा है।